ये है यहाँ पे दोनों तरफ पूजा सामग्री की दुकानें और यहाँ है श्रद्धालुओं की ठहरने की व्यवस्था और सामने है श्री हरसू ब्रह्म धाम और ये है बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर जो कि यहाँ पे शुरू में इंटर करने पे ही ये मंदिर बना हुआ है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कृष्णा ब्लॉग आदिशक्ति विनाश दर्शन। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग ये देखिए, बाबा भोलेनाथ जी का दर्शन कर लीजिए। और ये है यहाँ पे श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था, जो लोग भी बाबा श्री हरसू ब्रह्म धाम में आते हैं दर्शन पूजन के लिए, तो यहाँ पे देखिए ये ठहरने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ ये है मुनीब की दुकान, और यहाँ से और आसपास भी बहुत सारी पूजा सामग्री की दुकानें हैं और ठहरने की व्यवस्था है, तो हम लोग तो यहीं पे आते हैं। और ये देखिए माता दुर्गा माँ जी का मंदिर है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था। और ये देखिए बाबा श्री हरसू ब्रह्म बाबा धाम का ये पूरा नज़ारा। और ये है यहाँ के सब आसपास के दुकानें। और आइए चलते हैं बाबा साहब के चरणों में दर्शन करते हैं और ये पूरा धाम का अवलोकन कर लीजिए। मंदिर कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, हालांकि मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में विवरण यहाँ का मैंने दिया है। और मैं हर माह यहाँ एक बार ज़रूर आती हूँ, और जो भी श्रद्धालु नहीं यहाँ पहुँच पाते वो बाबा साहब का दर्शन वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस मंदिर के प्रथम तल पे ही माँ नव दुर्गा माँ जी का बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है, तो जो भी श्रद्धालु आते हैं और उन्हें नहीं पता है तो वो अंदर प्रांगण से सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर दर्शन प्रथम तल पे कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे आने वाले भक्तों के श्रद्धालुओं की हर प्रकार की पीड़ा का शमन होता है। जो भी सच्चे दिल से यहाँ आता है, हर प्रकार के ब्रह्म दोष, प्रेत दोष, बाधा और तमाम मानव जनित रोगों का यहाँ निवारण होता है। तो आप लोग दर्शन कर लीजिए और आइए चलते हैं अंदर, बाबा साहब के सिर चढ़ों का दर्शन करते हैं। अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार है, जैसा कि मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में यहाँ का मैं दिखा चुकी हूँ इस धाम का पूरा नज़ारा, और बाबा के दर्शन भी करा चुकी हूँ। और मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं महीने में हर बार एक बार ज़रूर आती हूँ, तो आप सब लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से श्री हरसू ब्रह्म बाबा धाम के श्री चढ़ों का दर्शन करा सकूँ। और ये देखिए यहाँ पूरे भक्तों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, और सभी प्रकार के ग्रह दोष, बाधा, प्रेत बाधा और पितृदोष जनित रोगों का शमन होता है। सो फ्रेंड्स, आई और पहले से ये मंदिर काफ़ी और भी ज़्यादा भव्य हो गया है बाबा साहब की कृपा और श्रद्धालुओं के सहयोग से। और अभी शिखर का भी निर्माण का चल रहा है प्रयोजन, जिसमें आप सब भक्त श्रद्धालु अपनी सामर्थ्य अनुसार सहयोग कर सकते हैं। और वो देखिए सामने है माँ कामाख्या जी की मूर्ति, जो कि इस किले की कुल देवी थी। और ये धाम बाबा का कभी किला हुआ करता था चैनपुर, और यहाँ के राजा थे शालिवाहन। और फ्रेंड्स, ये चैनपुर क्षेत्र बिहार राज्य के कैमूर जिले में पड़ता है। और फ्रेंड्स, ये देख लीजिए बाबा साहेब जी की शिलापिंडी और ऊपर मुकुट चमकता हुआ लगा हुआ है। और अभी काफ़ी परिवर्तन हो चुका है बाबा के यहाँ धाम में, और उनके जहाँ उनका सन्निधान है, जहाँ वो निरंतर विराजित होते हैं, देख लीजिए आप लोग किस तरीके से कितना खूबसूरत परिवर्तन हुआ है। तो आइए हम सब मिलकर बाबा साहेब के सिर चढ़ों के दर्शन करते हैं, और बाबा साहेब की कृपा हम सब भक्तों पर बनी रहे। और फ्रेंड्स, श्री हरसू ब्रह्म बाबा का असली वास्तविक नाम था श्री हरसू पांडे था, और ये राजा शालिवाहन के राज्य में मंत्री परिषद के प्रधानमंत्री थे, और उनके सलाहकार भी थे और राजपुरोहित भी थे। और किसी राजनीतिक मतभेदों के कारण बाबा अनशन पे बैठ गए, और 21वें दिन मध्याह्न में संवत 1484 माघ शुक्ल नवमी सोमवार को अपना शरीर त्याग करने के उपरांत सूक्ष्म शरीर धारण कर हरसू पांडे से श्री हरसू ब्रह्म बन गए। और इनकी मृत्यु के बाद इनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, पर एक जोरदार आवाज के साथ ही शरीर पिंड रूप में, शिला पिंड रूप में परिवर्तित हो गया, और यही पिंड आज श्री हरसू ब्रह्म स्थान के मूल पूजन और क्षेत्र के रूप में माना जाता है और पूजा जाता है। जो आप लोगों ने अभी दर्शन किया वही है बाबा का शिला पिंड। और फ्रेंड्स, काफ़ी चमत्कारी को महत्व रखता है ये धाम सभी श्रद्धालुओं में, और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। और ये है हवन कुंड बाबा का, जहाँ पे सभी प्रकार के रोगों का, कष्टों का यहाँ शमन होता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी हवन कुंड का दर्शन कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।